हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे यूवी सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 और यूवी सेमेस्टर 4 सेशन 21-24 में देखे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चे यूवी सेमेस्टर 2 का देखिए एडमिट कार्ड किनका होगा जारी, किनका नहीं हो सकता जारी, और साथ ही साथ आपके पास इतने कम समय बचा हुआ, आप लोग कैसे तैयारी करिए, तमाम बातें बताऊंगा। और जो बच्चे यूवी सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं तो उनका फॉर्म फिलअप कैसे शुरू होगा, परीक्षा डेट क्या नया जारी हो सकता है, ये तमाम बातें आज के सेशन में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पर्पल की हर अपडेट आपको चैनल मिलते रहे। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पेज पर लिंक है, अगर आप लोग वहां जुड़ जाते हैं तो कोई भी अगर अपडेट आएगा तो वहां आपको मुझे बताने में सुविधा होगी, प्लस आपको सारा सारा जानकारी वहां से मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग यूवी सेमेस्टर 2 सेशन 22 सब्जेक्ट के जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, साइंस से, कॉमर्स से, चाहे ह्यूमैनिटीज का आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड देखिए किनका होगा जारी, किनका नहीं होगा जारी, ये जान लीजिए। देखिए जिन्होंने सबसे पहले जान लीजिए अपना IRC पेपर चेंज कर लिया है, उनका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा 100%, ये पहले बता देता हूँ। जिसने जिसने अपना IRC पेपर सेमेस्टर 1 से अलग रखा हुआ है उनका तो 100% जारी होगा, और जिन्होंने भी देखिए अपना IRC पेपर सेम रखा है, क्योंकि IRC पेपर अगर आप लोग सेम रख दीजिएगा तो होगा क्या पता है, IRC सेमेस्टर 2 का सिलेबस ही नहीं है। अब जब सिलेबस ही नहीं है तो आप लोग किस चीज का परीक्षा दीजिए, आप लोग खुद बता दीजिए। देखिए मैं ये सेशन जब से आपने सेमेस्टर का परीक्षा दिया तो उसके बाद ही बोला था कि आपको IRC पेपर चेंज करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना कि उन्होंने चेंज ही नहीं किया, उनको याद ही नहीं रहता कि हाँ ऐसा करना है, फॉर्म फिलअप के टाइम तक बता दिया कि आपको IRC पेपर चेंज करना ही पड़ेगा, वो वाला आप लोग नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे, अगर मैं सही हूँ, 500 से ऊपर बच्चा कन्फर्म है कि इतना बच्चा का IRC पेपर हो, क्योंकि बच्चे कॉलेज दौड़ रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, तो जिनका IRC पेपर चेंज हो गया उनका तो 100% एडमिट कार्ड आएगा, जिनका IRC पेपर देखिए चेंज नहीं हुआ उनका थोड़ा दिक्कत आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो जिनका भी दिक्कत आएगा तो आपको सीधा बात है एक ही करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी हमारा महान है, गेट में जो गार्ड साहब है, या गार्ड साहब किस बात के, साहब जी किस बात के, गार्ड जो रहते हैं सीधा बात है उनको ऑर्डर दिया गया ऊपर से कि आपको गेट नहीं खोलना, बाहर से जो जानकारी चाहिए बोल दिया जाए, उसका मंगा दिया जाएगा आपको। तो ऐसा यूनिवर्सिटी में पढ़ी ना पढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप अपने कह सकते हैं गार्जियन को लेकर जाते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा प्रेफर मिल सकता है कि आपको सेमेस्टर 2 का जो आपका IRC पेपर चेंज है वो चेंज करना दिया जाए, क्योंकि ये चेंज करना ही पड़ेगा। देखिए रूल्स ही कहता है, मैं नहीं कहता ऐसा, UGC का गाइडलाइंस कहता है। तो ये जिनका एडमिट कार्ड है किनका आएगा किनका नहीं, इनका भी आ जाएगा, लेकिन बात है कि इनका सिलेबस क्या रहेगा, सबसे बड़ा दिक्कत ये है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो मेरे बोलने से नहीं चल सकता ना, तो आप मालूम है किस प्रकार हमारी यूनिवर्सिटी का दिमाग चलते रहता है। तो पहले तो IRC पेपर जान लीजिए किनका आएगा किनका नहीं, एडमिट कार्ड जरूरी है, बाकी आपके पास देखिए बहुत कम समय बचा, आपको मालूम होगा लगभग आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 तारीख से लेकर अभी आपके पास 7 तारीख से आपको परीक्षा डेट दिया गया, इस दिन में देखिए जितना भी मैंने पढ़ाया, चाहे आपका मैं देखिए कुछ दिन में आपको IBS पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह मैंने सेमेस्टर 1 बताया था, IBS पेपर का हर सब्जेक्ट है, देखिए एक पेपर नहीं बता पाऊंगा टैली एंड GST का, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि टैली एंड GST मेरा मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इसमें, तो वो पेपर छोड़ के बाकी जितना भी IBS पेपर है, अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हो गया, जर्मन लैंग्वेज भी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क आ गया, जो भी आपका IBS पेपर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील कर दूंगा, आपका डील कर दूंगा मैं। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स कॉमन क्वेश्चन 4, कॉमन क्वेश्चन 5, कॉमन क्वेश्चन 6, देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप का बहुत से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, मैथ्स के कुछ टॉपिक बता दिए हैं, उसके बाद हमारे इंग्लिश का एक टॉपिक है जो मैं आपको क्लियर करता चलूंगा धीरे धीरे एक एक सारे के सारे, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने सेमेस्टर 2 के बच्चों को साझा कर दी, आशा करूंगा आपको ये वीडियो फिलहाल पसंद आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं देखिए सेमेस्टर 4 के एग्जाम डेट के बाद, देखिए सेमेस्टर 4 के देखिए जो भी बच्चे पढ़ते हैं हाल ही में उनका फॉर्म फिलअप में प्रमोट आया कुछ बच्चों का, तो देखिए घबराना नहीं है, सेमेस्टर 3 का अभी आप लोग जो बच्चे जिनका प्रमोट लगा है, अभी बहुत से बच्चों को फिर से एग्जाम से दिया उनका प्रमोट लगेगा, तो साथ में एक बार एग्जाम से कंडक्ट होगा तो उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा, उसके लिए निश्चित रहिएगा। लेकिन आपका फॉर्म फिलअप का जो डेट दिया गया था पहले से, जहां तक मुझे याद है 26 जुलाई से डेट दिया गया था, ये डेट तो एक्सटेंड हो गई क्योंकि आपका सेमेस्टर 4 का सेमेस्टर 2 का जब एग्जाम डेट बदल गया तो आपका डेट बदल गया, क्योंकि 26 जुलाई हो रहा था 26 जून से डेट दिया गया और ये 10 जुलाई से परीक्षा डेट दिया गया था, तो ये जुलाई में तो होगा नहीं, ये डेट एक्सटेंड होगा, और वो के पता क्या होगा लगभग खिंचा जाएगा, पता ये 25 जुलाई का खिंचा जाएगा। तो चलिए आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा कि आपको थोड़ा पढ़ने का समय मिल गया, बाकी आप जानते हैं कि कितना ही पढ़ लीजिए हमारे इस प्रकार विश्वविद्यालय कॉपी बेचने वाला को, जो बेसिक कॉपी देने वाले होते हैं उनको कॉपी बेच देता है, उससे कॉपी तो पता नहीं रहता, तो जो मन चाहे नंबर बैठा देता है उससे उसको क्या फर्क पड़ता है, उनको उनको भविष्य थोड़ी मतलब है, उनको पर बच्चे का एक एक से मतलब देखा जाता है कितना फी आ रहा है, 650 रुपए सिर्फ फॉर्म फिलअप, एडमिशन का चार्ज तो मैंने जोड़ा ही नहीं था,
ये बिल्डिंग चार्ज, वो चार्ज, ये चार्ज, अगर एडमिशन स्लिप देखे तो पगला जी के देख देगा हर कॉलेज का, वो तो अपना अपना कॉलेज का सबका नाटक क्या होता है। ठीक है, कुछ जानकारी थी जो साझा करती, आशा करूंगा फॉर्म फिलअप का डेट देखिए कुछ दिन बढ़े या फिर बता दे रहा हूँ ये 26 जून हो सकता है 3-4 जुलाई तक आपका डेट आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक।